शायद ही कोई ऐसा दिन गुजर रहा हो जब यूपी के किसी कोने में मुख्तार अंसारी या उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ डुगडुगी बजती न सुनाई दे रही हो, कुर्की वाली डुगडुगी। सुनो सुनो सुनो, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के क्रम में अभियुक्ता अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी की धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत ग्राम रजदेपुर देहाती में रकबा 142.88 वर्ग मीटर की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। अभी आप जो डुगडुगी सुन रहे हैं वो भी एक तरह से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से ही जुड़ी हुई है। असल में गाजीपुर प्रशासन ने सदर कोतवाली क्षेत्र के रजदेपुर देहाती में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर स्थित लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई से मुख्तार से जुड़े लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि सोमवार को दोपहर बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ सदर कोतवाली क्षेत्र के होम्योपैथिक मेडिकल के सामने रजदेपुर देहाती में बने भवन पर पहुंचे। ये भवन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम से था। प्रशासन ने ढोल पिटवाकर मुनादी कराते हुए 1,40,00,000 की संपत्ति को कुर्क कर दिया। इस दौरान वहां पर सार्वजनिक सूचना का बैनर भी लगाया गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की 1,40,00,000 की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया है। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी जो कि IS-191 गैंग के लीडर है, उसकी पत्नी अफसा अंसारी की ये संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क की गई। कितने की संपत्ति कुर्क की? देखिए, ये पूरी जो आदेश हुआ है कहते हैं 28,58,00,000 का कुर्क की जा रही संपत्ति की। इसी के क्रम में आज जो ये रकबा नंबर 604 में 142 वर्ग मीटर में जो ये जमीन है और उसके ऊपर जो भवन निर्मित है उसकी कुर्की की जा रही है। इसकी कीमत लगभग 1,40,00,000। सर, इस तरह के कुर्की करने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या मतलब ये किसी मामले में मुकदमे में वांछित है या क्या की? ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है थाना कोतवाली में, उसके अंतर्गत ये प्रावधान होता है कि आपराधिक कृत्यों से अर्जित जो संपत्ति होती है उसको अटैच कर सकते हैं, कुर्की कर सकते हैं। तो उसी धारा के अनुसार ये कुर्की की जा रही है। इस दौरान तहसीलदार सदर मुकेश सिंह, नायब तहसीलदार SSI तरुण श्रीवास्तव, लेखपाल अमीन सहित भारी संख्या में पुलिस और PSC के जवान मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 7 नवंबर की शाम प्रशासन ने सदर कोतवाली क्षेत्र के बबेड़ी में स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों के नाम की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।